नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का जो मतदान चल रहा है उसका आखिरी दौर अभी बाकी है। हमारे साथ तीन खास मेहमान यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी, शशि शेखर जी और साथ में संजय कुमार जी, जिनकी उंगलियों पर हमें निशान नजर आ रहा है कि वोट डाल दिया है। तो आखिरी घंटा है, आप भी जाकर वोट जरूर डालकर आए अगर आप चाहते हैं कि सरकार वो बने जिसके बारे में बाद में आपको ये न कहना पड़े कि अरे कौन बन गया हमारा नेता। आपको बता दें कि यूपी में पहले दौर में जो वोटिंग चल रही है, बंपर वोटिंग अभी तक हुई है। कुछ इलाकों के आंकड़े हम आपको दे देते हैं, 3 बजे तक का ये आंकड़ा उपलब्ध है। बुलंदशहर में 54.51% वोटिंग हुई है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर शामली में 54% वोटिंग दर्ज की गई है। हालांकि त्रासदी है कि लोकतंत्र में आज भी हम 54% को बंपर ही कह रहे हैं संजय जी, लेकिन आज की तारीख में अगर हम बागपत 54%, आगरा 51.17% मतदान इतना देखते हैं, क्या मतदान प्रतिशत आज के दौर में भी कोई संकेत देता है लोगों के मूड को लेकर? देखिए श्वेता जी, ये सारी जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं ये सब 3 बजे के आसपास के हैं और 5 बजे जब मतदान खत्म होगा तो मेरा अनुमान है कि ये तकरीबन 62-63% के आसपास खत्म होगा, जो लगभग जो पिछले चुनाव में जितने आंकड़े थे लगभग वहीं रहेंगे। अब क्या चर्चा ये है कि क्या आंकड़े मतदान प्रतिशत अच्छा है, बुरा है, कम है, ज़्यादा है? कम और ज़्यादा हमें अनुपातिक रूप में देखना चाहिए, अनुपात के रूप में कंपैरिजन करें तो। अगर पहले के चुनाव से देखेंगे, अगर 10-20 साल पहले के चुनाव से तुलना करेंगे तो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। एक समय ऐसा था जब उत्तर प्रदेश में तकरीबन 40-45% मतदान होता था, उसकी तुलना में तो चुनाव जो प्रतिशत वोट का बढ़ा है। लेकिन हाँ, अभी भी इसमें काफ़ी गुंजाइश है और इसमें अगर 10-20% का और इजाफा हो जाए तो हमें लगता है कि फिर मतदान प्रतिशत अगर 70-75% तो जिन राज्यों को हम हिंसक कहते हैं वहां पर हम 70% से अधिक वोटिंग देख लेते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भले ही इलाके संवेदनशील हैं लेकिन उसके बावजूद शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। एक घटना हुई है सिर्फ लाठीचार्ज की, उसके अलावा शांतिपूर्ण हुआ है। इसीलिए उम्मीद रहती है, युवा वोटर जुड़ते रहते हैं, निकलना चाहिए, बड़ी तादाद में वोट देते रहना चाहिए। बिल्कुल, देखिए पहले होता यह था कि जो गांव ग्रामीण मतदाता है वो भारी संख्या में निकलते थे, आमतौर पे माना जाता था गरीब लोग, साधारण लोग, क्योंकि उनके अंदर मोबिलाइजेशन बहुत होता था, पॉलिटिकल पार्टीज करती थी और मिडिल क्लास के बारे में लोग बोलते थे कि ये लोग बोलने वाला वर्ग है लेकिन ये घर में सोता रहता है, आराम करता है या तफरीक करने निकल जाता है वोट के दिन। अब ऐसा नहीं है, ये एक ट्रेंड मैंने देखा। अभी मैं स्वयं वोट डाल के आ रहा हूँ और मैंने देखा कि हम जिस इलाके में रहते हैं मिडिल क्लास रहता है, लोअर मिडिल क्लास भी है, तो भारी संख्या में अपार्टमेंट में रहने वाले लोग निकल के जा रहे थे और औरतें जिस तरह जा रही थीं, मुझे गांव में बचपन के वो दिन आए याद आए जब औरतें श्रृंगार करके मतदान केंद्रों पर जाती थी हमारे गाँव में गीत गाती हुई। तो वैसे ही आज मिडिल क्लास की बहुत जो कॉलोनीज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ जिस तरह से झुंड बनाकर औरतें जा रही थीं वो मुझे बहुत उसी तरह का पुराना दृश्य सामने आया, अच्छा लगा। शेखर जी, इसमें संकेत पढ़े नहीं पढ़े? मैं एक बात आज तक के व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, 1952-57 और बाद के 2 चुनावों तक बहुत अच्छा मतदान परसेंटेज होता था, लेकिन जैसे जैसे आया राम गया राम हुआ लोगों का थोड़ा लोकतंत्र से विश्वास हटा। ये बड़े सुकून की बात है कि हर चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। दुख की बात यह है कि नोएडा, बम्बई, बेंगलोर, गाजियाबाद जैसे शहरों में मतदान का प्रतिशत अच्छा नहीं होता, यानी कि वो लोग जो कि बड़ा शेयर कर सकते हैं सत्ता में वो थोड़ा से विरत रहते हैं। पिछली बार भी 50% से कम था नोएडा में, इस बार भी कोई बहुत अच्छी हालत नहीं दिख रही है, पर उसके बावजूद मुझे सुकून ये है कि नौजवान पीढ़ी सामने आ रही है और वो खुलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और थोड़े वोकल भी हैं लोकतंत्र को लेकर, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं अलग अलग इलाकों से और जानते हैं उन्हीं से कि क्या क्या चल रहा है उनके इलाकों में। शुरुआत संजय शर्मा से करते हैं। संजय, फिलहाल यहाँ पर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और हमारे साथ कुछ युवा मतदाताओं की टोली भी है जो अभी पहली बार वोट देकर भी आए हैं लोग, तो किस तरह का अनुभव रहा यहाँ पर और कैसा मतदान चल रहा है? एक्चुअली में यहाँ पे जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, मोस्टली जो यूथ जनरेशन है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है और मतलब मोस्टली जो जनरेशन है पहली बार जो वोट दे रहे हैं उनके लिए खुशी की बात है कि हम लोग पहली बार वोट दे रहे हैं। पार्टी का नाम मतदान किस तरह का चल रहा है? का नाम नहीं है। मतदान यहाँ सुबह से बड़े उत्साह के साथ चल रहा है हमारे यहाँ पे, क्योंकि ये धार्मिक नगरी है तो यहाँ के संत समाज में सभी लोगों में बड़ा उत्साह है और उत्साह के साथ मतदान में लगे हैं। इसको एक तरीके का मेले की तरह, उत्सव की तरह लोग मना रहे हैं। यानी मैं गांव में भी गया और शहरों में भी आया, इधर वृंदावन में, बाकी उधर गोवर्धन, जतिपुरा, इन तमाम इलाकों में मतदान शांतिपूर्ण है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भी मुझे लग रहा है कि पुराना रिकॉर्ड टूटेगा
मतदान के प्रतिशत का, इससे पहले भी मतदान के प्रतिशत में लगातार इजाफा, शशि शेखर जी भी कह रहे हैं कि खुशी की बात है और मुझे भी ये लग रहा है कि इन तमाम इलाकों में पहले के मुकाबले मतदान बढ़ेगा और जो छिटपुट घटनाएं होती थी वो भी प्रशासन की मुस्तैदी से उनमें भी काफी गिरावट आई है। यानी जो संवेदनशील इलाके हैं, मैं वहां भी गया, हथिया और अन्य जगहों पर जहां बहुत अति संवेदनशील इलाके हैं इस पूरे मथुरा और वृंदावन के और इलाकों में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। संजय, शशि शेखर जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। संजय, मेरा एक सवाल है, अगर आप ग्रामीण इलाकों में घूमे और मथुरा में घूमे, बड़ी बड़े संघर्षपूर्ण स्थिति है वहां पर राजनीतिक दृष्टि से, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि एक कोई खास लामबंदी हो रही है कि नहीं, खास तरीके के पोलिंग बूथ पर जातियों की, धर्मों की, कोई आपको ऐसा लगता है कि लोग एकजुट होकर वोट डाल रहे हैं अलग अलग भागों में बटकर लेकिन समूह में किसी एक खास प्रत्याशी को? जी हाँ, ये तो जो पुरानी चीजें थी वो अभी भी दिखाई पड़ रही हैं कि लामबंदी जरूर नजर आती है और जातिगत आधार पर भी, धार्मिक आधार पर भी, ये कहने में मुझे गुरेज नहीं है। लोकतंत्र का यज्ञ है, लोकतंत्र की आधारशिला रखी जाती है हर 5 साल बाद। लेकिन यहाँ शशि शेखर जी, मैंने देखा है पूरे इलाकों में कि गोलबंदी और गुटबंदी तो जरूर है और उसी के आधार पर वोट डाले जा रहे हैं। आम मतदाताओं से जब ये पूछा जाता है कि उनका मुद्दा क्या है, तो वो युवा सीधे ये कहता है कि हम मोदी को वोट देने आए हैं। जो किसी जाति विशेष से संबंध रखते हैं वो सीधे अपने दल का नाम बताते हैं कि मुद्दा कोई नहीं, विकास का मुद्दा और तमाम चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन वोट देने का हमारा जो क्राइटेरिया, हमारा आधार है, हमारी जो शर्तें हैं वो हम अब खुद तय करते हैं कि किस मुद्दे पर किसको वोट देना है। अधिकतर लोगों से जब हमने पूछा कि आपने पिछली बार भी वोट दिया, जिन उम्मीदों के साथ वोट दिया, जिसे वोट दिया, क्या वो उम्मीदें आपकी पूरी हुई, उन लोगों का कहना था उम्मीदें तो कभी पूरी नहीं होती, लेकिन वोट देना हमारा अधिकार है और उसका इस्तेमाल हम अपने हिसाब से करते हैं। जी, अधिकार और कर्तव्य यही समझकर लोग चलेंगे तो वोट डालेंगे और वोट डालने के लिए जो मुद्दे हैं वो भी लोगों से हम पूछ ही रहे हैं। मुजफ्फरनगर पर यह सवाल बहुत प्रासंगिक हो जाता है, बालकृष्ण हमारे साथ वहां पर हैं। बालकृष्ण, जो सवाल अभी शशि शेखर जी ने पूछा संजय शर्मा से, दरअसल मुजफ्फरनगर जिस तरीके से दंगों के दौर से गुजरा, हालांकि उसके बाद एक चुनाव हुए और अब जो राज्य के चुनाव हैं वो वहां पर हो रहे हैं, क्या दिखा आपको मुजफ्फरनगर में? बिल्कुल श्वेता, शशि शेखर जी ने जो सवाल पूछा उसका जवाब मुजफ्फरनगर आके बिल्कुल साफ साफ मिल जाता है। जवाब ये है कि जो लोकसभा के चुनाव के समय स्थिति थी, जो धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन था, वैसा पोलराइजेशन अब नहीं दिखता है, लेकिन उसका असर अभी भी है। वैसा पोलराइजेशन नहीं दिखता लेकिन अब जातियों के आधार पर भी वोट पड़ रहा है। दो तीन चीज़ें ऐसी थी इस फेज के चुनाव के बारे में जिस पे सबकी नज़र थी। पहली बात ये थी कि बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार मायावती ने की पार्टी ने, बीएसपी ने उतारे हैं, उसका क्या होता है, और ये देखने को साफ मिल रहा है कि वो दांव लगता है मायावती का चलता हुआ नहीं दिख रहा है। ज़्यादातर जगहों पर हमने देखा कि मुस्लिम मतदाताओं की पसंद जो है वो समाजवादी पार्टी है। ऐसी सीटों पर भी जहाँ पर कि समाजवादी पार्टी की तरफ से दूसरे उम्मीदवार थे और बीएसपी की तरफ से मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में है, वहाँ पर भी लोग, ज़्यादातर मुस्लिम मतदाता जो है समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं और ये बीएसपी के लिए चिंता की बात होगी क्योंकि ये उसका सबसे मजबूत इलाका है। दूसरी बात जो साफ आकर यहां दिखती है कि जाट वोट बैंक बहुत बड़ा कारण बना था लोकसभा में, जिसके दम पर बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। जाट वोट बैंक में जो दरार है वो साफ दिखती है, खासतौर पर अगर आप देहात के इलाके में जाएं, गांव में जाकर देखें तो लोक दल को बहुत सारे जाट वोट कर रहे हैं, उनकी नाराजगी है बीजेपी से। और ऐसे लोगों से हमारी बातचीत हुई गांव में खासतौर पर, जिनका यह कहना है कि हमें इस बात से मतलब नहीं है कि हमारा उम्मीदवार जीतता है या हारता है, हमें इस बात से मतलब है कि हमें बीजेपी को हराना है। उनके उन जो हरियाणा में जो चीजें हुई हैं, हरियाणा में ये भी कहेंगे कि हम ये भी कहेंगे कि हमारे तमाम संवाददाता हैं वो आज, क्योंकि अभी आखिरी दौर चल रहा है मतदान का, वोटिंग का, तो हम किसी पार्टी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम न लें। जिन लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं उनसे भी कहें कि वो ये न बताएं कि वो किसको वोट डाल रहे हैं, क्योंकि अभी वोटिंग बाकी है। अशोक सिंघल मेरठ में है। मेरठ जिस तरीके से वहां पर, वहां की कानून व्यवस्था के लिए उसको जाना जाता है, आज सब कुछ शांतिपूर्ण रहा है अशोक जी वहां पर? बिल्कुल श्वेता, शांतिपूर्ण रहा है और लंबी लंबी लाइनें सुबह से लगी हुई हैं। खासतौर से मुस्लिम इलाकों में तो सुबह से लोग घरों से निकल करके वोट देने के लिए निकले थे, लंबी लाइनें थी। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या मुद्दा इनको प्रभावित करता है।
किस मुद्दे पे, हम नहीं चाहते किस पार्टी का नाम ले, हम बिल्कुल नहीं चाहते, किस मुद्दे से प्रभावित होकर के आपने वोट डाला है, क्या मुद्दा जहन में था आपके? हम चाहते हैं सफाई रहे, देखिए कितने नाले गंदे हो रहे हैं, हमें पूरा रोड से आना पड़ता है, और अच्छा रहे, अच्छे सुधार हो पढ़ाई पे, देश पे, सफाई वगैरह बहुत अच्छी हो, करप्शन कम हो, करप्शन कम हो। आपको लगता है क्योंकि सब पार्टियां विकास की बात करती हैं आकर के कि हमने ये किया हम ये करेंगे, सालों से कई चुनाव निकल गए, आपको लगता है कुछ फर्क पड़ा है या इस बार उम्मीद बनी है आपकी कि जो भी आएगा कुछ करेगा? सब ऐसी कहते हैं, सब ऐसी कहते हैं, जब कहते हैं कुछ करते तो है नहीं किसी के लिए भी, गरीब लोग परेशान रहते हैं ज्यादातर, गरीब गरीब ही रहता है, परेशान रहता है। जी जी जी, गरीबी गरीबी रहता है, कोई वो नहीं हो रहा उनके लिए सुधार। जी, आपको क्या लगता है कि जो जो वादे किए जाते हैं अलग अलग पार्टियों के द्वारा, चाहे कोई भी पार्टी रही हो, कुछ फर्क पड़ा है, चीजें सुधरी हैं, बेहतर हुई हैं, या उम्मीद अभी किए जाते हैं, जनता को ठगा जाता है, सब गलत किए जाते हैं, एक अखिलेश ही है जो जी, ये इनका कहना कि जो वादे किए जाते हैं ठगा जाता है, किसी ने कुछ नहीं किया, बात होती है लेकिन उम्मीद है फिर भी, ये प्रजातंत्र है, वोट डालते हैं श्वेता, और इस बार भी वो वोट डालने के लिए आए हैं। जी जरूरी भी है, हालांकि एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके पास चलेंगे क्योंकि हर इलाके का हाल हम जान रहे हैं, 73 सीटों के लिए मतदान चल रहा है, 73 रिपोर्टर हमारे हर एक सीट पर। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान चल रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल 73 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, हम अपने तमाम संवाददाताओं से बातचीत कर रहे हैं और स्टूडियो में भी हमारी चर्चा लगातार जारी है, लेकिन अब हम चलते हैं कैराना, जहां से हमारे संवाददाता बृजेश पांडे इस वक्त मौजूद है। बृजेश, आखिरी एक घंटा चल रहा है मतदान का, भीड़ बढ़ रही है, सुबह से भीड़ रही है, कैसी स्थिति है वहाँ? श्वेता, यहाँ पे काफी मतदान के प्रति उत्साह देखा गया है, यहाँ करीब 7:15 के आसपास ही लाइनें लगना शुरू हो गई थी और करीब लगभग 11:30 बजे तो ऐसा लगा, जहाँ मैं पब्लिक इंटर कॉलेज कैराना में हूँ, 11:30-12 तक तो लगभग यहाँ पे काफी अच्छी खासी मात्रा में मतदान हो चुका था। इस वक्त मतदान का फ्लो काफी कम है क्योंकि इक्के दुक्के लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ठीक ठाक संख्या में मतदाता मौजूद हैं। मतदान को लेकर इनके बीच खासा रुझान था। कैराना एक संवेदनशील असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी गई थी और इसमें ऐसा माना जा रहा था, इस पे जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये था वो था कि जिस तरह से बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह, जिन्होंने कैराना से हिंदू पलायन की बात कही थी कि किस प्रकार यहां से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, उनकी बेटी मृगांका सिंह इस बार चुनाव में उतरी हैं और उनका मुकाबला जो सबसे कट्टर मुकाबला है और जो उनके चांसेस को डेंट भी कर सकता वो है आरएलडी के अनिल चौहान का। तो ये एक दिलचस्प मुकाबला है, जो एक त्रिकोणीय तरह का मुकाबला है जिसमें तीनों पार्टियां एक दूसरे के विपरीत एक अच्छा चुनाव लड़ रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि यहां आखिरी वक्त में, आखिरी घंटे में चुनाव की गति और तेज होने की उम्मीद है और यहां चुनाव का परसेंटेज काफी अच्छा जाएगा 5 बजे के बाद। मिलेश जी, लगा था जो पलायन का मुद्दा है जिस पर सबसे ज्यादा बात हो रही थी, मतदान का दिन आते आते पलट गए पलायन के मुद्दे से। हां, क्योंकि हुकुम सिंह जी को ऐसा लगा, मुझे लगता है क्योंकि बहुत ही वो सधे हुए अनुभवी राजनेता हैं कि भाई ये पोलराइजेशन की कोशिश जो पहले हम लोग करते थे, यानी उनकी पार्टी या उनके लोग, तो वो इस बार क्लिक नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रही है। और अगर देखा जाए तो तीन बड़े मुद्दे उस पूरे इलाके में काम कर रहे हैं जो मैंने एसेस किया, मैं स्वयं भी गया था स्पॉट पे कुछ दिन पहले, कि भाई तीन इशू हैं। एक तो एग्रेरियन इशू, जो गन्ना किसानों का इशू है, कर्ज का बड़ा इशू है, पेंडिंग बिल का, आलू का इशू है, गेहूं का इशू है, जो मूल्य वो किया गया। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा इशू है श्वेता, वो छोटे मझोले जो उद्यम है, छोटे छोटे जो उपक्रम है, वहां पर नोट बदली ने बहुत लोगों को प्रभावित किया है। तो ये दो इशू, अब प्लस एक तीसरा इशू, जाट इशू इस पूरे इलाके में। जाट जिस तरह हरियाणा में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खासकर केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन से नाराज हैं, उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए हुकुम सिंह अचानक पलट गए। और देखिए उनकी लड़ाई, उनकी बेटी की लड़ाई उनके उनके अपने भतीजे से है, बहुत दिलचस्प बात है। जी, हम एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अलीगढ़ आपको लिए चलेंगे, वहां उत्तर प्रदेश के पहले दौर के मतदान पर हम अपनी ये खास पेशकश आपके सामने लेकर आए हैं। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग इलाकों में तैनात हैं और हम अभी तक चंद हिस्सों का अपडेट ले चुके हैं, लेकिन अभी अलीगढ़ में क्या हालात हैं उसके लिए आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष, हालांकि कल तो फरमान जारी करने की एक होड़ सी लग गई थी, अलीगढ़ में छात्र संघ तक ने कह दिया था कि इसको जाकर वोट डालें, इस सब के बीच अलीगढ़ का जो मतदान है वो चला कैसा?
श्वेता, ताले और तालीम के शहर में हैं हम अलीगढ़ में, और जाहिर है कि जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मिजाज है वही यहाँ पर भी है। और जुनून देखिए वोटिंग का, ये तमाम लोग वोट डालने के बाद यहाँ पर खड़े हैं बात करने के लिए। हर कोई अपना निशान आपको दिखाएगा और देश को दिखाएगा कि अलीगढ़ भी वोटिंग में कहीं पर भी पीछे नहीं रही है। और जहाँ तक मिजाज की बात है कि कल जो कुछ भी यहाँ पर घटनाक्रम हुआ कि छात्र सामने आते हैं और ये अपील करने की कोशिश कि एक फलाना कम्युनिटी को वोट दिया जाए, इन तमाम बातों को ये आपको समझना होगा कि वोटर बहुत समझदार हो चुका है। वो यूं ही किसी की अपील में नहीं आता, क्योंकि उसे अपना भविष्य चुनना है, उसे अपना कैंडिडेट चुनना है और एक ऐसा उम्मीदवार चुनना है जो यहाँ के इलाके जो विकास हैं उनकी बात करे। अब कुछ लोग हैं, इनसे भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो वोट देने आप लोग गए बूथ पर, क्या कुछ जेहन में था उस समय? यह शहर का विकास होना चाहिए, पानी सही मिलना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारी अलीगढ़ शहर की, ये इसमें सुधार होना चाहिए। ऐसा विधायक बने ये शहर का विकास कर। तो अलीगढ़ के जो लोग हैं जात पात पे वोट डालेंगे या काम पर या मुद्दों पर वोट डालेंगे? सर, यहाँ पर जो वोट पड़ेगा वो शिक्षा पर पड़ेगा, विकास पर पड़ेगा, इसके अलावा जात पात तो यहाँ पर कुछ है नहीं है ऐसा। यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो श्वेता, जो कहा ना कि ताले और तालीम का शहर है, इंडस्ट्री पे हालांकि नोटबंदी का असर पड़ा है, अब उसका जो कन्वर्जन है वो चुनाव पर वोट पर कितना पड़ेगा जब नतीजे आएंगे सामने पता चलेगा, लेकिन तालीम का शहर है इसलिए लोगों में वोटरों में वो जागरूकता है। सुबह से हालांकि कुछ पेस कम हुआ था 12 बजे से 3 बजे के बीच में, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया लोगों की कतार बूथों के बाहर जमी, और खासकर जो ग्रामीण इलाका है श्वेता मैं आपको बताऊं वहां पर अभी भी लंबी तादाद में वोटरों की संख्या है। जी, अच्छी बात है। संजय पुगलिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मुंबई से जुड़ रहे हैं संजय हमारे साथ। संजय जी, जब एक मतदाता को इस तरह से बाहर निकलकर बोलते हुए सुनते हैं कि शिक्षा या विकास या उस तरह के किसी मुद्दे पर वोट डाला गया है, तो यकीन कितना होता है? भारत का मतदाता बदल गया है, उत्तर प्रदेश के चुनाव क्या इस बार यही दिखाएंगे? देखिए, बहुत सीरियस विचार करने के बाद वोटर हमारा वोट डालता है, लेकिन हम चूंकि सवाल में कुछ लीडिंग शब्द डाल देते हैं तो उसके जवाब में उसको वो दोहरा देता है कि सड़क चाहिए, कंक्रीट चाहिए, विकास चाहिए, बिजली चाहिए, लेकिन उसके मुद्दे बड़े व्यापक होते हैं और ये कहना कि वो नैरो माइंडेड होकर के सोच करके वोट डालता है ऐसा कतई नहीं है। ये हम टॉकिंग पॉइंट बना देते हैं, हमको लेबल करना पड़ता है, हमको चीज़ों को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, इसीलिए हम इस तरह की रिपीटेटिव बातें सुनते रहते हैं। दरअसल उनके मन में जो बातें हैं उसको इंस्टेंट टेलीविजन पर तुरंत निकाल पाना और सामने रख पाना कि कितने गंभीर विचार विमर्श के बाद वो वोट करते हैं, थोड़ा मुश्किल काम भी है श्वेता। बाकी उत्साह से निकले बस, सब यही अहम हो जाता है। मौसमी सिंह के पास चलते हैं, आगरा में, ताजमहल की नगरी आगरा, यहां पर आपके साथ महिलाएं बहुत सारी हैं। मौसमी, क्या बताना चाह रही हैं सब? जी श्वेता, ताज अब उतना वहाँ नहीं रहा, ताज के पहले जलवे होते थे, आगरा के भी जलवे होते थे। भारत के 60% जूते आप सोचिए कि आगरा से आते हैं। हमारे साथ प्रत्याशी हैं जो खुद शू एक्सपोर्टर हैं और उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। 211 करोड़ की संपत्ति घोषित की है इन्होंने, इनके पास भी आएंगे। और तमाम महिला वोटर हैं जिनकी शिकायत है, पर इनको जाना है, लगातार पोलिंग बूथ के चक्कर लगा रहे हैं, तो आइए इनसे पहले बात कर लेते हैं। नजीर अहमद साहब, कांग्रेस और सपा के गठबंधन में राहुल और अखिलेश पहली बार प्रचार किए और आपके लिए भी प्रचार किए, पर क्या जो आगरा के का हाले बयां क्या है? अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, शू इंडस्ट्री से लेकर चांदी का व्यापार यहाँ बड़ा होता है, आप उसके डायरेक्ट नोटबंदी का असर आपको भी झेलना पड़ा और तमाम लोगों को? देखिए, पिछले 2.5 महीने से जो नोटबंदी का असर, उसने हर व्यापार को यहाँ ठप कर दिया है। यहाँ तक के कि जो बीजेपी के कट्टर वोटर हुआ करते थे वो भी नाराज़ हो गए। व्यापारी वर्ग सब परेशान है, कारीगर परेशान है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने रोज़गार की बात की थी, लेकिन जब इंडस्ट्री ही नहीं चल पाएगी, इंडस्ट्री ही पीछे हो जाएगी, तो रोज़गार बढ़ेगा नहीं, रोज़गार घटेगा। तो ये नोटबंदी वोटबंदी में तब्दील होगी क्या? हमको पूरी उम्मीद है, क्योंकि आगरे में है ना, लोग बड़े परेशान रहे। जूता कारोबार तो बिल्कुल ठप हो गया है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी जो कॉटेज इंडस्ट्री है जहाँ 100% कैश के ऊपर डिपेंड करती थी, उनको बड़ी परेशानी हुई है। बिना कैश के कोई काम नहीं कर पा रहा है, कारीगर परेशान, मालिक परेशान। तो डेफिनेटली ये बताइए कि आपने जब नॉमिनेशन फाइल किया तो सबसे अमीर कैंडिडेट आप होंगे, क्या कभी ऐसा सोचा था आपने? मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, और मैंने तो ईमानदारी से अपने डिक्लेयर किया है जी। और ये इसीलिए मैं आया भी यहाँ पे हूँ कि भाई लोग क्या करते थे कि खाली पेट आते हैं,
और उसके बाद 6 गुना 7 गुना 8 गुना अपनी कमाई कर लेते हैं। यहाँ पे लोग मुझे जानते हैं, हर समाज के लोग मुझे जानते हैं। ईमानदारी से ही करेंगे और ईमानदारी से ही विकास होगा यहाँ। चलिए ठीक है, हम वोटरों से बात करते हैं क्योंकि आज दिन वोटरों का है श्वेता, और तमाम महिला वोटर हैं जो काफी परेशान हैं। बताइए खाला, आप क्यों परेशान हैं? मेरा वोट नहीं है, मैं 24-25 साल से वोट दे रही हूँ, इस बार मेरा वोट नहीं है। नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, ये पहली बार वोट करने आई थी बड़ी उम्मीदों से, क्या हुआ? स्टूडेंट है आप, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? वोटर लिस्ट में नाम नहीं, मैं पहली बार है ना यहाँ वोट डालने के लिए आई हूँ। तो क्यों नाम नहीं है आप लोग का, कुछ पता? पता नहीं। तो श्वेता आप सुन रही हैं किस तरह से यहाँ पे जो तमाम मुस्लिम महिला वोटर हैं वो परेशान हैं। पर छोटा सा थोड़ा सा टाइम लूंगी, आगरा का जो हाल बयां है वो इन दो लाइनों से, जो नज़ीर अकबर आबादी की दो लाइनें हैं उससे मैं बयां करूंगी कि आगरा की अगर हम याद करें तो ये दो लाइनें ज़रूर याद आ जाती हैं कि तोड़े कोई किले कोई लूटे शहर को, अब किससे भला मांगे अपनी दाद आगरा, अब तो छोटा सा गांव है बेटी ना दे से, वरना होता था चीन का दामाद आगरा। तो शेरो शायरी से अगर बयां करें तो आगरा का ये हाल है। मौसमी पता नहीं ताज का असर है कि चुनाव का असर है, लेकिन हम चलते हैं लखनऊ, वहां से वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ में बैठकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपको कुछ अलग दिख रहा है क्या? हम जो घटनाएं जो केंद्र की राजनीति है उसका प्रभाव ज्यादा दिखता है या राज्य के मुद्दे ज्यादा दिखते हैं? गन्ना किसान जो है वहां पर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो निर्णायक होगा इन सभी जिलों में। शरद जी उन सारी चीजों का हमें शरद जी को आवाज नहीं आ रही है हमारी, हम कुछ देर में उनके पास चलते हैं। तंसीम हैदर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बागपत से। जी तंसीम बताएं, आखिरी एक घंटे में लोग ज्यादा आ रहे हैं मतदान के लिए या जितने आए वो आ चुके हैं? जी श्वेता, अभी तक का जो 4 बजे तक का जो वोट परसेंटेज है यहाँ पे करीब 60% तक पहुँच गया है। बागपत की जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, छपरौली, बड़ौत और बागपत, और जो उत्साह लोगों में, मैं उसकी बात आपको बताऊँ एक इंस्टांस कि आज बागपत में एक महिला ऐसी भी वोट देने आई जो महिला अपनी सास को गोद में लेके आई थी, एक बहू अपनी सास को गोद में लेके वोट डालने के लिए आई। ऐसे बहुत सारे लोग देखे, 90 साल 95 साल के लोग जो वोट देने आए, और यही वजह है कि अब वोट का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और अब ये जो लास्ट जो आखिरी एक घंटा चल रहा है इसमें जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा देखा जा रहा है कि वहाँ पर लोगों की भीड़ कतारें बढ़ रही हैं, और जिसमें महिलाओं की संख्या भी बड़ी तादाद में देखी जा रही है। श्वेता जी, शरद प्रधान जी के पास हम चलते हैं, वापस उनसे संपर्क जुड़ गया है हमारा। शरद जी वहां पर लखनऊ में आपको रिपोर्ट किस तरह की मिल रही है, क्योंकि हम यहां पर ज्यादातर जो शहरी इलाके या फिर छोटे कस्बों का हाल देख रहे हैं, लेकिन गांव-गांव का हाल अगर जानना चाहें हम। देखिए जो यहां पर रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही है कि जो माहौल वहां पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां आज वोटिंग हो रही है वहां काफी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, और इसका जो वर्डिक्ट है वो डिपेंड करेगा कि किस तरफ मुस्लिम वोट जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी घुमा फिरा के अपील कर रही थी, मायावती बहुत डायरेक्ट अपील कर रही थी मुसलमानों को, क्योंकि उनका सबसे उनका ये बड़ा इस एरिया में उनकी 23 सीटें थीं, और समाजवादी पार्टी की हालांकि 24 थी, लेकिन फिर भी मायावती को खतरा हो गया था यहाँ पर वोट लूज करने का, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन की वजह से नोटबंदी के कारण एक जो डिवाइड क्रिएट हुआ था गरीब और अमीर में, उसमें जो गरीब तबका है उसका काफ़ी ट्रेडिशनल वोटर मायावती का है, उनको ये खतरा हो गया था कि अगर उसने हमारा वो खिसक जाता है वोट तो फिर मुसलमान वोट भी नहीं आएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि मुस्लिम वोट उसी तरफ जाता है जहां पे जिनमें क्षमता हो जिस पार्टी में बीजेपी को के साथ टक्कर लेने की। इस वजह से यहाँ पे मुस्लिम वोट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और अखिलेश यादव और राहुल के जो अलायंस के बाद एक ये कॉमन फीलिंग हो गई है कि मुसलमान उस तरफ ज्यादा टिल्ट करेगा, क्योंकि वो एक सॉलिड पोटेंशियल दिखता है उसका कि ये बीजेपी से अच्छी टक्कर बीजेपी को अच्छी टक्कर दे सकते हैं। तो इन चीजों पे बड़ा फैक्टर। और जहां तक ये कायराना का सवाल है, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये बात ये हुकुम सिंह ने कतई आज भी डिनाई, आज पहली बार डिनाई नहीं किया है, ये हुकुम सिंह ने जब खुद ही जब पहले आरोप लगाया था उसके बाद जब मीडिया ने दिखलाया कि ये बात झूठी है और लोग तमाम मरे हुए लोग उसमें आए, तो उन्होंने स्वयं उस टाइम डिनाई कर दिया था, इसको रिफ्यूट कर दिया था। ये आज जो समझा जा रहा है कि कोई नई बात करी उन्होंने ऐसा नहीं है, लेकिन बीजेपी के बाकी नेता बार बार
बोल बोल के उसको हिंदू मुसलमान इशू बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस एरिया में एक दफे पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन वर्क कर चुकी है। बट इस दफे मुझे नहीं लगता है कि वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स काम कर रही है, ना ही यहाँ पे एक चीज और समझी जा रही है कि जो मौलानाओं ने अपील्स करी हैं पॉलिटिकल पार्टी को देके, उसका भी असर अधिकतर मुसलमानों पे नहीं होता दिखता है। यहाँ पे ये फीलिंग है क्योंकि उन मौलानाओं की क्रेडिबिलिटी इतनी कम हो चुकी है, मुसलमानों में भी अवेयरनेस और लिटरेसी की वजह से अब ये दौर धीमे धीमे खत्म हो रहा है कि मौलाना के कहने पे वोट डाल दें जी, या ये बेहतर के लिए ही ये बदलाव आए।